स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया हमने कि यहाँ जो एक घात विस्तृति है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यह समझ में नहीं आती है तो फिर समस्या हो जाएगी, इसीलिए हम इसको बार बार दो तीन बार समझा रहे हैं, दो दो तीन तीन बार समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा जो कि एलएस का एलिमेंट है, लेकिन अल्फा बीटा गामा हमने जैसा कि बताया आपको V3 ऑफ F, इसमें तो अल्फा बीटा गामा टाइप के एलिमेंट होंगे, और S के अंदर क्या है 100010 और 001, इस थ्री टाइप के ही एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा बीटा गामा है जो कि V का एलिमेंट है, ये अल्फा बीटा गामा किसका एलिमेंट है, V ऑफ F का एलिमेंट लिख सकते हैं यहाँ। किंतु अल्फा बीटा गामा है वो जो एलिमेंट है वो V ऑफ F का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ देखा आपने अल्फा बीटा गामा किस में आया, LS में आया, इम्प्लाइज अल्फा बीटा गामा ये LS में आया। और अगर यह LS में आया तो हम यह कह सकते हैं कि इस V ऑफ F के जितने भी एलिमेंट होंगे, V ऑफ F के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे LS में आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि V ऑफ F सबसेट ऑफ LS ये बनेगा, V ऑफ F सबसेट ऑफ LS। लेकिन यहाँ जो V ऑफ F है वह सबसेट ऑफ LS है, लेकिन LS जो होता है वो सबसेट ऑफ V ऑफ F होता है। वो कैसे, इसको भी जानो एक बार। LS जो होता है वो सबसेट ऑफ V ऑफ F बनता है। यहां देखेंगे कि आपको बताया था हमने कि जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन है, ये लीनियर स्पान, ये जितने भी अवयव हैं वो क्या है, वी के जो अवयव होते हैं उनके एक घात संचय के रूप में लिखे जाते हैं। दोबारा से समझाते हैं इसको, देखो एस में वी वन वी टू वी थ्री वी एन है और सदिश समष्टि वी ऑफ एफ है, इसका क्या एक अरिक्त उप समुच्चय है एस, यानी एस सबसेट ऑफ एफ है। तब एस के सभी एक घाती समुच्चयों का समुच्चय, यानी इस एस के जितने भी अवयव होंगे, एस के जितने भी अवयव होंगे, लेकिन वो कैसे, एस के जितने भी अवयव होंगे वो कैसे कि एक घात संचय की फॉर्म में हो, यही कहा है। तब एस के सभी एक घाती संचयों का समुच्चय, एस के कुछ अवयव होंगे जो एक घात संचय की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो उन सब का जो समुच्चय होगा एक घाती विस्तृति कहलाता है, और इसे एस से व्यक्त करते हैं। देखिए एस के कुछ अवयव, मान लीजिए हमने ये कह दिया बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, बी फोर है, ये चार ही अवयव ऐसे हैं जो एक घात संचय के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब अल्फा वन आएगा, अल्फा टू आएगा, अल्फा थ्री, अल्फा फोर प्लस। अब ये भी तो क्योंकि एक सदिश ही बनेगा ना, और ये सदिश बनेगा तो वी का एलिमेंट होगा, किसका एलिमेंट होगा, वी का, अर्थात वी ऑफ एफ का। तो कहने का मतलब हुआ कि एस के जितने भी एक घात संचय हैं ये सारे के सारे किस में होंगे, वी ऑफ एफ में होंगे। एस के जितने भी एक घात संचय के रूप में लिखे जा सकने वाले एलिमेंट होंगे वो वी ऑफ एफ के रूप में होंगे, और जब वी ऑफ एफ के रूप में होंगे तो इसको हम यह कह सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये सारे के सारे अवयव तो किसके हैं, LS के हैं ना, एक घात संचय के रूप में है तो LS के बनेंगे, ये LS इसके बनेंगे, इस LS के अगर इस फॉर्म में हैं LS के बनेंगे, और LS के बनेंगे वो सब के सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, V of F में, तो इसका मतलब LS सबसेट ऑफ V of F होगा। हम इसको शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि एक घात विस्तृति की परिभाषा से यहाँ लिख सकते हैं, किंतु एक घात विस्तृति की परिभाषा से
स्पष्ट है कि इस लाइन को आप याद भी रखेंगे सीधे कि जो एल एस होता है, एल एस ये सबसेट ऑफ बी ऑफ एफ होता है। इसको हम नंबर एक डालें, इसको नंबर दो डालें, तो इन दोनों की हेल्प से लिखा जा सकता है कि अतः यहाँ देखेंगे बी ऑफ एफ सबसेट एल एस है और यहाँ एल एस सबसेट बी ऑफ एफ है, तो इसका मतलब ये इक्वल होने चाहिए। एल एस इज इक्वल टू बी ऑफ एफ, यह बनेगा। जो लीनियर स्पान है वह किसके इक्वल, बी ऑफ एफ के इक्वल रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अब। इसमें जो थ्योरम है वह है दसवें नंबर की थ्योरम, बहुत अच्छी है ये प्रमेय, भरतपुर 18 में पूछ ली गई है। कहा है इसमें कि किसी सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के उपसमुच्चय के उपसमुच्चय एस की एक घात विस्तृति एल एस की एक घात विस्तृति, ये कहा है इसमें किसी सदिश समष्टि बी ऑफ एफ के उपसमुच्चय एस की एक घात विस्तृति एल एस, एस को अंतर्विष्ट करने वाला कॉमा, एस को अंतर्विष्ट करने वाला V का न्यूनतम उपसमष्टि है। अर्थात एल एस इज इक्वल टू एस। ये प्रूव करना है हमें आगे, ये थ्योरम बहुत काम आएगी। अब देखिए इसे प्रूव करने के लिए, जैसा कि आपको बताया कि भरतपुर 18 में पूछ ली गई है, पर अब आगे पूछी जा सकती है। तो एक और प्रमेय होती है इसमें जो कि उपसमष्टि की है, आपके सिलेबस में नहीं है ना उपसमष्टि, लेकिन यहाँ उपसमष्टि शब्द काम में आ गया है। तो सबसे पहले क्या है कि किसी सदिश समष्टि बी ऑफ एफ के उपसमुच्चय एस की एक घात विस्तृति एल एस, एस को अंतर्विष्ट करने वाला बी का न्यूनतम उपसमष्टि है अर्थात एल एस इज इक्वल टू एस है, यह प्रूव करना है। इसके लिए आप समझेंगे कि एक थ्योरम थी उसमें तीसरे नंबर की बी एक्सरसाइज में, और उसके अकॉर्डिंग अगर एल्फा और बीटा फील्ड एफ के एलिमेंट हैं और यू और वी हैं ओ वेक्टर बी के एलिमेंट हैं, या आप ये कह दो एस के एलिमेंट हैं, यू और वी है वो एस के एलिमेंट हैं, अगर अल्फा यू प्लस बीटा वी है यह भी एस का एलिमेंट हो जाए। ध्यान से समझें, इसमें अल्फा और बीटा एफ फील्ड एफ के एलिमेंट हैं, यू और वी है वो एस के एलिमेंट हैं, अगर अल्फा यू प्लस बीटा वी है वह भी एस का एलिमेंट हो जाए तो एस उपसमष्टि कहलाती है वी की, एस वी ऑफ एफ की उपसमष्टि कहलाती है।
ये होगी। आप चाहो तो इसको नोट डाल करके यहीं लिखा देते हैं आपके लिए, इस प्रमेय नंबर को आपके लिए नोट डाल करके हम लिखवा देते हैं। यानी यह कंडीशन होती है चौथे नंबर पर, ये प्रमेय इस प्रमेय के साथ ही लिखवा दे रहे हैं हम आपको इसमें बॉक्स में बंद करते हुए। केवल आपको याद रखनी है ये। उपसमष्टि होने के लिए यह काम आएगी। किसी सदिश समष्टि बी ऑफ एफ के अरिक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू किसी सदिश समष्टि v ऑफ f के अरिक्त उपसमुच्चय एक अरिक्त उपसमुच्चय w के v ऑफ f की उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि W1, W2 belongs to capital W तथा अल्फा बीटा बिलोंग टू एफ एम्प्लाइज अल्फा डब्ल्यू वन प्लस, सर्किल वाला प्लस काम में ले सकते हो, सिंपल लिख देते हैं, प्लस बीटा डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो। इस प्रमेय के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे, जो कि आपको याद रखनी है। इस प्रमेय के आधार पर हम प्रमेय नंबर 10 को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम एल एस जो दे रखा है इसको उपसमष्टि सिद्ध करेंगे, और उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए एल एस को उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए इस एल एस के कोई भी दो एलिमेंट लेके चलें। आप जानते हैं कि एल एस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि अल्फा आई यू आई, लेकिन समेशन में आई इक्वल टू वन टू एन। एल एस के अंदर जो एलिमेंट हैं एल एस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन टू एन एल्फा आई यू आई, जहाँ एल्फा आई फील्ड एफ का एलिमेंट होता है और आई की जो वैल्यू होती है ना वन टू से लेकर के एन तक होती है। तो इस आधार पर हम एल एस के कोई दो एलिमेंट लेकर के चलें। माना एक तो जो स्मॉल यू है उसे लेके चलें, और एक है स्मॉल बी उसको लेके चलें। यू और बी दो एलिमेंट लेके चलें। यू कॉमा बी बिलोंग्स टू एल एस, इस एल एस के दो एलिमेंट लिए, एक तो यू लिया दूसरा वी लिया, जहां यू इज इक्वल टू जो यू है उसकी वैल्यू है सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एल्फा आई यू आई, लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वन टू एन एल्फा आई के बारे में लिख दो एल्फा आई बिलोंग टू एफ कॉमा आई इज इक्वल टू वन टू एन तथा वी इज इक्वल टू सिग्मा जे इज इक्वल टू वन टू एम एल्फा जे बी जे एल्फा जे बिलोंग टू एफ कॉमा जे इज इक्वल टू वन टू एन। तो यहाँ जो अल्फा आई और जो अल्फा जे हैं इनकी वैल्यू हमने ये लिख दी,
और जो अल्फा ई अल्फा जे है जो वैल्यू लिखी है इक्वल टू 1 to n है, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n और बीटा 1 बीटा 2 बीटा m इतने एलिमेंट हैं। अब हम इसको ls को उपसमष्टि सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो अल्फा और बीटा फील्ड f के कोई दो एलिमेंट लेकर के चलें। माना अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू f के कोई दो अवयव हैं, तब अल्फा यू प्लस बीटा वी इस वैल्यू को लेकर के चलें। अगर यह भी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू टू, लेकिन हमारे पास है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू की जगह यू वी, ये डब्ल्यू में बिलोंग करना है। तो आप देखेंगे अल्फा यहाँ जो यू की वैल्यू है वो है आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई यू आई प्लस सिग्मा बीटा सिग्मा वी, वी की वैल्यू कितनी है सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to m, और ये है फिर अल्फा जे वी जे, अल्फा जे वी जे। अगर हमने यहाँ अल्फा जे वी जे लिखी तो इसको आप और भी सरल करें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो उपसमष्टि सिद्ध करना है ना पहले। तो इसको लिख सकते हो इम्प्लाइज अल्फा यू प्लस बीटा वी, अल्फा यू प्लस बीटा वी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो है अल्फा। इस अल्फा को आप अल्फा ई के साथ ला सकते हैं, अल्फा अल्फा ई, और साथ में है ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, और ये है यहाँ यू आई प्लस सिग्मा। इस बीटा को जो बाहर है इसको भी बीटा अल्फा जे के साथ ले जाएं, इस बीटा को आप अल्फा जे के साथ ले जाएं तो यह बनेगा बीटा अल्फा जे, आप चाहो तो यहीं इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ बीटा जे कर दो इसकी जगह, थोड़ा सही लगेगा, यहाँ बीटा जे कर दें, यानी ये बीटा जे करें तो बीटा बीटा जे बना, यह बन जाएगा बीटा बीटा जे, और ये वी जे। आप देखेंगे इसमें क्योंकि अल्फा और बीटा है जो फील्ड एफ के एलिमेंट हैं, तथा अल्फा आई और ये जो बीटा आई है ये भी फील्ड एफ के एलिमेंट हैं, अल्फा आई वो भी फील्ड एफ का और जो बीटा जे है वो भी फील्ड एफ का एलिमेंट है। तब ध्यान दो अल्फा बीटा फील्ड क्षेत्र के एलिमेंट है ना, यहाँ जो अल्फा आई है और बीटा जे है वो भी फील्ड एफ का एलिमेंट है। तो फिर अगर हम अल्फा का अल्फा आई से अल्फा अल्फा आई से संक्रिया करें अर्थात समरत्ता का नियम लगाएं तो समरत्ता से ये भी क्षेत्र में होगा, और बीटा का बीटा जे से करें तो यह भी क्षेत्र का ही एलिमेंट होगा। अगर ये क्षेत्र के एलिमेंट हो गए तो आप देखेंगे कि यहाँ अल्फा क्षेत्र का हो जाए यू आई एफ का हो जाए तो ये यू है वो किस में बिलोंग करता है एल एस में, तो सेम वही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। तब या हम कह सकते हैं अतः है अल्फा यू बीटा भी है, इसमें ये फील्ड का एलिमेंट है यू आई वी का एलिमेंट है, ये फील्ड का एलिमेंट है बी जे वी का एलिमेंट है, एल यू प्लस या अल्फा यू प्लस बीटा भी ये फिर एल एस का एलिमेंट हो जाएगा। फाइनली हम ये कह सकते हैं अतः है, या ये कहा जाए देखिए यू और बी एल एस के एलिमेंट लेके चले, अल्फा यू प्लस बीटा भी एल एस का एलिमेंट आ गया, इस प्रमेय के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ये फिर उपसमष्टि होगी। तो हम ये कह सकते हैं चूँकि
यू और वी हैं, वो एल एस के एलिमेंट लेके चले, इम्प्लाइज अल्फा यू प्लस बीटा भी निकाला, ये भी एल एस का आ गया, तब एल एस एक उपसमष्टि है। अभी यहाँ हमने केवल और केवल इसको उपसमष्टि सिद्ध किया है, अब उपसमष्टि के साथ साथ हमें एल एस इज इक्वल टू एस प्रूफ और करना है, लेकिन ये फिर हम कल की मीटिंग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।